ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज एक नया चैप्टर, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस। ठीक है ना, क्या नाम है? फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस। देखिए ये सिलेबस जो है, ये जो सब्जेक्ट है, ये सबसे आसान सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें कुछ भी टेक्निकलिटी नहीं है, कुछ भी कुछ खास नहीं है, लेकिन इसकी लैंग्वेज इतनी टफ है कि आप किसी भी बुक से पढ़ेंगे तो आपको ये सबसे कठिन सब्जेक्ट लगेगा क्योंकि इसके वर्ड, इसकी लैंग्वेज, इसकी मीनिंग आपको बुक से शायद है कि 90% केस में समझ में नहीं आए। तो कोशिश करेंगे कि सब्जेक्ट को थोड़ा सा आसान बनाएंगे और आपको पढ़ने इजी लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप इसको समझ सकें और फिर आपको इजी लैंग्वेज में नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, ताकि आपको बुक के चक्कर में नहीं पढ़ना पड़ेगा और आप आसानी समझ जाएंगे। ये सब्जेक्ट में से देखा जाए तो डी फार्मा के सेकेंड ईयर में है और बी फार्मा में भी ये ज्यूरिसप्रूडेंस के नाम से सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर नहीं है, थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में, सेकेंड ईयर उनमें भी है या थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर के आसपास में है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस, ये क्या है समझिए। आप जानते होंगे कि हमारे देश में हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी है, एक कानून व्यवस्था है। वो कानून व्यवस्था का काम क्या होता है कि हमारे देश में जितने भी सिस्टम चल रहे हैं, जो भी नियम कानून बनाते हैं सरकार, उस नियम कानून का पालन कौन कराता है? लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन करता है। और अगर लोग उसको मानते नहीं तो सजा देने का हक किसे है? सजा देने का हक सुप्रीम कोर्ट को है, हाई कोर्ट को है और कचहरी को है। उसी तरह से एक कमेटी बनाई जाती है जो पूरे देश में कानून का पालन करवाती है और अगर उस कानून का पालन आप नहीं करेंगे तो आपको सजा मिलेगी, दंड मिलेगा, पेनाल्टी दिया जाएगा। तो फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस में क्या अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? हम ये पढ़ेंगे कि जितनी भी प्रकार की फार्मेसी में प्रैक्टिस होती है, जितने भी प्रकार की प्रैक्टिस का मतलब होता है जैसे कि आप दवा बनाते हैं, आप दवा बेचते हैं, आप मेडिकल स्टोर खोले हैं, आप ड्रग की सप्लाई करते हैं और आप ड्रग खाते हैं, ये जो पूरी चेन है पूरे दवाओं का सिस्टम का, उस पूरे चेन में नियम कानून बना रहे, क्वालिटी बनी रहे और उन सब नियम कानून को कंट्रोल करने के लिए जो पूरा का पूरा एक पूरी बनाई जाती है व्यवस्था, उसे लेजिस्लेशन कहते हैं, कानून प्रणाली। लेजिस्लेशन मतलब हो गया कानून प्रणाली कि पूरे फार्मेसी सब्जेक्ट में यानी पूरे फार्मेसी प्रोफेशन में किस तरह से कानून। ये सब्जेक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, चाहे वो जीपैट का हो रहा हो एम फार्मा के लिए, नाइपर के लिए, चाहे वो आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम हो रहा हो या रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम हो रहा हो, सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आए, ज्यूरिसप्रूडेंस से क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन निश्चित आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम समझ आ गया होगा कि व्हाट इज द ज्यूरिसप्रूडेंस। इस सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए अच्छा क्वालिटी बढ़ाने के लिए जितने भी कानून बनाए जाते हैं उन सारे कानून की स्टडी करते हैं हम लोग फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस में। शायद कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं कि पहला टॉपिक है फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन यानी कि फार्मास्यूटिकल कानून प्रणाली कि फार्मेसी में कौन कौन से कानून बनाए जाते हैं। अब इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर कम से कम 15-20 एक्ट पढ़ेंगे हम लोग, एक्ट मतलब कानून पढ़ेंगे, जैसे मेडिसिन एक्ट, पेटेंट एक्ट, पेशेंट एक्ट, नार्कोटिक्स एक्ट, एल्कोहलिक एक्ट, मतलब सारी चीजों को काम करने के लिए एक कानून बनाया गया। और उसे आप जानते हैं अगर आप कोई मेडिकल स्टोर का लाइसेंस लेता है तो उसमें पूरा एक प्रोफार्मा मिलता है, ये क्वाइटेरिया पूरा होना चाहिए, फ्रीज होना चाहिए, एसी होना चाहिए, कमरा इतने बाई इतना होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, फार्मासिस्ट होना, ये कौन बनाता है, ये सब नियम कौन बनाता है? ये सब नियम बनाता है लेजिस्लेशन कमेटी। इस देश में फार्मेसी के कानून को नियंत्रित करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है और उसी कमेटी का नाम है फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन कमेटी। अब ये क्या करते हैं, ये हमारे यूपी में, इंडिया में, पूरे भारत में क्या करते हैं, ये पूरे कानून को लागू करते हैं। अब ये बात रहती है कि क्यों बनाया गया फार्मास्यूटिकल, इसका क्या काम है। तो इसके लिए बेसिकली हम चार बातों को करते हैं कि टू इंश्योर पेशेंट्स रिसीव ड्रग, ये निश्चित करता है कि जो पेशेंट मरीज दवा को खरीद रहा है या दवा को ले रहा है उसमें चार चीजों का होना एकदम कंपलसरी है। अगर ये चारों चीज मेंटेन नहीं है तो उस दुकान का लाइसेंस रद्द कर दो, उस कंपनी की लाइसेंस रद्द कर दो जिस कंपनी ने बनाया है, उस आदमी को रद्द कर दो जिसको बेच रहा है। चार चीजें क्या इंपॉर्टेंट है, पहला है टू इंश्योर रिक्वायर्ड क्वांटिटी, यानी जैसे कि आपको पैरासिटामॉल दिया है उसमें लिखा है 500 mg, तो ये पैरासिटामॉल 500 mg ही होना चाहिए। जैसे इसका रेंज है ±5%, तो यानी 505 से 500-495 तक चलेगा, लेकिन अगर बहुत कम हो गया, मान लो तुम 800 डाल दिए, 600 डाल दिए या 300 डाल दिए, भाई लेबल में लिखे 500, पैसा बचाने के चक्कर में 300 डाल दिए, उस केस में क्या होगा, ये ड्रग हमारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। पहला हमको देखना है कि रिक्वायर्ड क्वांटिटी हमारा श्योर होना चाहिए।
दूसरा टेस्टेड, ये जो ड्रग है वो टेस्टेड होना चाहिए। टेस्टेड का मतलब हुआ कि ये जो ड्रग है जो भी अब मार्केट में आप बना के तुरंत नहीं बेच सकते। हम लोग बिस्कुट और गुजिया समोसा नहीं बेच रहे हैं, गुजिया समोसा छाने और कस्टमर लगा है तो अगर छटे डाले और दे दो, ये ड्रग है। दवा बनने के बाद उसकी सैंपलिंग होती है, उसकी टेस्टिंग होती है, कई स्टेप से गुजरता है और सारे टेस्ट में पास होने के बाद ही उसको मार्केट में लॉन्च किया जाता है। तो हमको ये इंश्योर किया जाता है इस कानून द्वारा कि जो दवा मार्केट में आ रही है वो पूरी तरह से टेस्टेड है। नेक्स्ट वन इज इवेल्युएटेड फॉर सेफ्टी। अगर इस ड्रग को खाने से हमारी बॉडी को कोई नुकसान तो नहीं है, साइड इफेक्ट तो नहीं है, पॉइजनस तो नहीं है, टॉक्सिक तो नहीं है, इसका भी इवेल्युएशन किया जाता है। कैसे करते हैं वो एनिमल पर टेस्टिंग करते हैं, दिस इज कॉल्ड प्री क्लिनिकल ट्रायल। जो भी दवाइयां बनती है उसको क्या करते हैं, एनिमल पर टेस्टिंग करते हैं, दिस इज कॉल्ड इवेल्युएटेड फॉर सेफ्टी। नेक्स्ट है एफिकेसी, जो ड्रग है उसका एफिकेसी कैसा है, वो असर कैसा है बॉडी में, इसको चेक किया जाता है कि बॉडी में क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। क्लियर हो गया कि लेजिस्लेशन बनाने का क्या मतलब है, ये चार चीजों को इंश्योर करना होता है, टू इंश्योर रिक्वायर्ड क्वांटिटी, टू इंश्योर टेस्टेड, टू इंश्योर इवेल्युएटेड फॉर सेफ्टी एंड टू इंश्योर एफिकेसी। क्लियर। अब इसकी बात करते हैं कि भारत में ये कानून व्यवस्था की शुरुआत कब से हुई, कब से जरूरत पड़ने लगी कि भारत में जुरिस्प्रूडेंस लाया जाए या भारत में लेजिस्लेशन को लाया जाए, ये कब से जरूरत पड़ी। पहले तो नहीं था, पहले बहुत पहले जमाना था राजा महाराजाओं का, वहां तो वैद हुआ करते थे, राज में घराने में वैद होते थे, जड़ी बूटी घूटते थे, पीसते थे, पिलाते थे, काढ़ा साढ़ा, पेशेंट कुछ ठीक होते थे, कुछ मर जाते थे। लेकिन धीरे 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 कब ये समय आया, जब लोग आयुर्वेद से एलोपैथ की तरफ शिफ्ट होना शुरू हुए। जब हमारे भारत में अंग्रेज आए करीब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसके बाद फिर अंग्रेज आए करीब 1857 के बाद अंग्रेज आए, तो धीरे धीरे डेवलपमेंट शुरू हुआ और मेडिसिन लोग बनाना शुरू किया और इंडिया के लोग भी मेडिसिन प्रैक्टिस में आने लगे। और जब इंडिया के लोग आने लगे तो धीरे धीरे भारत में भी ये फार्मेसी प्रैक्टिस शुरू हो गई। तो इसके लिए कानून बनाना पड़ा, तो कानून बनाने के लिए अलग अलग कमेटियां बनाई, है ना। तब क्योंकि कोई सरकार होगा उसका मेंटेन था नहीं, तो कमेटी बनाया पहले। तो सबसे पहली बात करें तो पहली कमेटी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1811 में इसने अपना एक काम शुरू किया, केमिस्ट शॉप इन कलकत्ता। देखिए भारत में आपको पता होगा 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जो कि ब्रिटिश कंपनी थी, लेकिन इसने अपने फार्मेसी में काम खुद शुरू किया वो 1811 ईस्वी में शुरू किया। कब किया गया, कलकत्ता में, इसका नाम था, दुकान का नाम था केमिस्ट शॉप इन कलकत्ता। तो ये पहला प्रैक्टिस था भारत में जो फार्मेसी की पहली प्रैक्टिस थी। ये सब क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम के पेपर में ये सब क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो 1811 में पहली प्रैक्टिस शुरू हुई। उसके बाद नंबर टू में मिस्टर स्मिथ और स्टेनसीड एक कंपनी डाली गई, मिस्टर स्मिथ स्टेनसीड एंड कंपनी, जो कि 1821 में स्टार्ट। ये दो कंपनियां जो थी दोनों अंग्रेजों ने स्टार्ट किया था, फॉरेनर ने स्टार्ट किया था जो भारत नहीं थे, लेकिन 1901 ईस्वी में सबसे पहली बार भारत के किसी व्यक्ति ने मतलब फार्मेसी प्रोफेशन को स्टार्ट किया। अभी तक फार्मेसी प्रोफेशन स्टार्ट किया था विदेशियों ने, भारतीय उसमें काम करते थे, लेकिन 1901 ईस्वी में सबसे पहली बार हमारे पीसी राय यानी हमारे प्रफुल्ल चंद रे, एक साइड डॉक्टर थे मतलब हमारे भारत के पढ़े लिखे थे, प्रोफेसर पीसी रे ने एक कंपनी डाली कलकत्ता जिसका नाम था बंगाल केमिस्ट एंड फार्मास्यूटिकल वर्क। ये सबसे पहली कंपनी थी जिसने स्टार्ट किया पीसी रे ने भारत में। उसके बाद एक आया प्रोफेसर टी के गज्जर, जिन्होंने एलएमबी, आज जो कंपनी एलएमबी है याद है एलएमबी याद है, वो एलएमबी केमिकल वर्क्स भी बड़ौदा में स्टार्ट किया था सबसे पहले 1903 ईस्वी। ये कुछ स्टार्ट प्रोफेशन है भारत में हमारे फार्मेसी प्रैक्टिस की शुरुआत कैसी हुई। ठीक है, फिर हम लोग आगे जानेंगे कि कौन कौन से कमेटियां बनी, कौन कौन से नियम कानून बने, हर कमेटी में क्या अच्छाइयां थी क्या बुराइयां थी। सबसे इंपॉर्टेंट है चोपड़ा कमेटी, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो देंगे उस वीडियो में बताएंगे कि चोपड़ा कमेटी की क्या क्या क्यों लाया गया, क्या इसकी अच्छाई थी क्या बुराई थी, इस पर एग्जाम क्वेश्चन आता है। ठीक है, बंद करो, चलो उसको लिखा।